सो गाइस देन हम सभी लोगों को दिखाया जाता है जो ये नकली हिरोशी होता है वो गाइस सिनचैन के सामने आ जाता है। एंड गाइस जो सिनचैन होता है वो उसे देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसके जो डैड थे वो तो ऑफिस जा चुके थे, तो ये कौन है। एंड गाइस वो तब थोड़ा बहुत गाइस नीले रंग का दिख रहा था। एंड गाइस तभी सिनचैन की मोम वहां पर आ जाती है, इसीलिए गाइस वो इनविजिबल हो जाता है। एंड देन गाइस सिनचैन को लगता है शायद ये मेरा कोई बहन था। एंड जो सिनचैन की जो मॉम होती है वो कहती है कि बेटा मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तो मेरे को थोड़ी देर हो जाएगी, हिमावारी का ध्यान रखना। एंड देन गाइस हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि गाइस जो मिक्सी होती है वो हिमावारी को अपने साथ ही ले जाती है और कहती है तुम रहने दो, तुम अपना ही ध्यान रखना। एंड देन गाइस जैसी मिक्सी बाहर जाती है वो जो नकली हिरोशी होता है वो आ जाता है। एंड जो सिनचैन होता है वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो हीटिंग वाले मेज के नीचे छुप जाता है। देन गाइस जो सिनचैन होता है वो अपने कपड़ों को एक टेडी बेयर पर लगाकर नकली हिरोशी को दे देता है। एंड नकली हिरोशी की आंखें बंद होती है तो वो जैसे उसे पकड़ता है उसे लगता है कि वो सिनचैन है, बट जब वो आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक टेडी बेयर है। एंड देन गाइस हम सब लोग को दिखाया जाता है कि गाइस जो नकली हिरोशी है वो देखता है कि उसके सामने जो सिनचैन है वो अपनी स्माइल से लेकर खड़ा हुआ है और कहता है तुम्हारी शक्तियां जितनी भी हो पर मेरी शैतानियों से बढ़कर नहीं हो सकती। एंड वो कहता है अच्छा तो तुमने मेरे को पहचान ही लिया। एंड देन गाइस जो हिरोशी होता है वो कहता है अरे बेटा तुम मेरे को कौन समझ रहे हो, मैं तुम्हारा डैड ही हूँ। एंड देन गाइस जो सिनचैन होता है वो कहता है मैं कोई पागल सा बच्चा नहीं हूँ, मेरे को सब पता है कि तुम वही हो जो लास्ट टाइम मेरे पास आए थे। एंड गाइस अब जो नकली हिरोशी होता है उसको गाइस काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। एंड गाइस वो अपना हाथ उठाता है और सिनचैन को मारने वाला होता है, तभी गाइस सिनचैन वहां से गाइस भाग जाता है। एंड गाइस वो दोनों के दोनों गाइस पकड़ रहे होते हैं एक दूसरे को। एंड जो हिरोशी होता है वो सिनचैन को गाइस हीटिंग मेज के साइड में राउंड राउंड करते हुए पकड़ रहा होता है। एंड गाइस तभी जो हिरोशी होता है वो एक जगह पर रुक जाता है एंड सिनचैन उसके झांसे में फंस ही चुका होता है। बट गाइस देन जैसे हिरोशी उसे पकड़ने के लिए जंप करता है तभी गाइस जो सिनचैन होता है वो गाइस वहां से जंप कर जाता है। एंड गाइस हिरोशी का जो मुंह होता है वो गाइस हीटिंग मेल में ठुक जाता है। एंड गाइस जो सिनचैन होता है वो गाइस दूसरे कमरे में जाकर वहां पर अपने खिलौने उसमें बिछा रखे होते हैं, सो गाइस वो एक कोने में गाइस जाकर छुप जाता है एंड काफी ज्यादा डर रहा होता है। एंड गाइस तभी हम सब लोगों को दिखाया जाता है वो जो नकली हिरोशी है वो गाइस सिनचैन के उस कमरे में गाइस आ जाता है। एंड गाइस उसको उस कोने के सामने सिनचैन की आधी पेट दिखाई देती है एंड वो समझ जाता है कि सिनचैन यहाँ पर भी छुपा हुआ है। एंड देन वो उसे एकदम से धप्पा कर देता है। एंड जो सिनचैन होता है गाइस वो काफी ज्यादा डर जाता है एंड वो सोचने पड़ जाता है अब मैं क्या करूँ। एंड गाइस वो नहीं वादा होता है बट गाइस आप सभी को पता है कि सिनचैन कभी भी होप नहीं खोता। एंड गाइस वो अपनी मॉम के ड्रेसिंग टेबल के सामने चला जाता है जहाँ पे नकली हिरोशी उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। बट गाइस जैसा मैंने आप सभी को बताया कि सिनचैन ने अपने खिलौनों को फर्श पर बिछा रखा था। एंड गाइस वहां पर एक लेगो ब्लॉक होता है एंड गाइस लेगो ब्लॉक पर गाइस जो नकली हिरोशी होता है वो गाइस पैर रख देता है। एंड गाइस आप सभी को पता है इससे कितना ज्यादा दर्द होता है। एंड गाइस तभी जो नकली हिरोशी होता है वो गाइस अपने रियल असली रूप में आ जाता है थोड़ी देर के लिए। एंड गाइस उसका असली रूप काफी ज्यादा भयानक होता है जो कि किसी गंदे से एलियन के जैसा होता है, जिसको देखकर जो सिनचैन होता है वो गाइस वहां से भाग जाता है। एंड वो अपने फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों को चढ़कर उन सीढ़ियों के टॉप साइड पर गाइस खड़ा हो जाता है। एंड देन गाइस जो नकली हिरोशी होता है वो हिरोशी के रूप में गाइस वापस से सिनचैन की तरफ को भागता है। एंड गाइस जैसे ही हिरोशी ऊपर आता है फर्स्ट फ्लोर पर तभी गाइस जो सिनचैन होता है वो गाइस बालकनी से गाइस कूद कर नीचे अपने गार्डन में जाता है। एंड गाइस अपने घर में जल्दी से जाकर फर्स्ट फ्लोर के गेट को बंद कर देता है। एंड गाइस नकली हिरोशी वहीं पे बंद हो जाता है। एंड देन गाइस हम सब लोगों को दिखाया जाता है एट द स्पॉट गाइस सिनचैन की मॉम भी गाइस आ जाती है। एंड गाइस वो अपनी मॉम को बताने ही वाला होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, बट गाइस तभी नकली हिरोशी देख लेता है कि उसकी मॉम आ चुकी है। एंड गाइस वो एक चुटकी बजाता है एंड गाइस नकली हिरोशी वहां से गायब हो जाता है। एंड गाइस तभी जो सिनचैन होता है वो सब कुछ भूल जाता है। एंड मिक्सी पूछती तुम्हें क्या बताना था, एंड सिनचैन कहता है मेरे को कुछ नहीं बताना मॉम। एंड गाइस इसी के साथ यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।